सो गाइज वेलकम टू माई व्लॉग। तो यार पिछले वीडियो में आपने देखा मेरे दोस्त का जो है शादी हो रहा था, तो मायन हो रहा था, उसको मैंने दिखाया था आपको पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग जो है बाराती गए, बाराती में क्या क्या हुआ, मतलब कि दोस्त के ससुराल यहाँ गए, वहाँ पर जो है जो भी कार्यक्रम होना था शादी का वो वहाँ पर कम्प्लीट हुआ। तो उस चीज़ को यहाँ पर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। दुल्हन वहाँ से आई अपने मायके से और यहाँ घर तक आई, तो इतना तक ये वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। तो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसी तरीके का वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार अभी जो है बाराती जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और तैयारी पूरी चल रही है। और यहाँ पर जो अभी पूजा करने के लिए तुलसी माता का, तो यार अभी पहुंच चुके हैं बाराती और यहाँ पर जो है अभी रंगमंच पर बैठे हैं सभी लोग और नाश्ता वास्ता अंदर की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पर जो है दूल्हे का थोड़ा सा मेकअप किया जा रहा है। फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पर लड़की पक्ष वाले, जैसे कि आप देख सकते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। तो यहाँ पर लड़की पक्ष वाले जो है दूल्हे का मेकअप करेंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर भीड़ कितना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से भीड़ हो चुका है, इधर भी बहुत सारे लोग अभी जमा हो चुके हैं दोस्तों। तो अभी जो है यहाँ पर संधि भेंट होने के लिए नीचे जमीन पर कुछ पूजा किया जा रहा है। तो यहाँ पर पूजा खत्म होगा, उसके बाद जो है संधि भेंट होगा, चालू होगा यहाँ पर। तो फाइनली अभी जो है दुल्हन के घर के बाहर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बाहर में जो है अभी बिठाया गया है और यहाँ पर कुछ रस्म होता है। तो यहाँ पर पूजा किया जाएगा, उसके बाद जो है दूल्हा दुल्हन को पान खिलाया जाएगा, एक दूसरे को खिलाएंगे लोग, तो इस टाइप का कुछ रस्म होता है। तो दुल्हन भी पहुँच चुकी है।
तो गाइस फाइनली घर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लड़की के माँ जो है यहाँ पर कलश पकड़ के गोल गोल घूम रही है और इस रस्म को क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मुझे यार सर्दी पकड़ा है यहाँ पर, मैं क्या करूँ, आवाज़ जो है पूरा तरीका से चेंज हो चुका है, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करना। तो अब यहाँ पर जो है सभी लोगों को बैठा दिया गया है और पंडित जी अपना कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं, मतलब कि अभी जो है पूजा स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप लोगों को बोर लगता है तो आप बोर मत होना, आगे आपको और भी मज़ेदार सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मेन रस्म तो बाकी है, हार पहनाना और मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना, ये रस्म अभी बाकी है। तो आगे वीडियो को अच्छे से देखते रहना एंड वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। श्री लक्ष्मी कौस्तुभम परिजातक सुरा धनवंतरि से चंद्र रात दाह मेरा मैं तू ही चन्न मेरा है देख कितना सोना रब ने साथ लिख दिया है अब ये काम टूटे यार। अभी पंडित जी की पूजा जो है खत्म हो चुकी है और यहाँ पर लड़की के माता पिता टिकावन टिक रहे हैं, लड़की के सभी घर वाले जो है टिकावन टिकेंगे। इसके बाद जो है अभी स्वाहा किया जाएगा, स्वाहा के बाद जो है सात फेरे होते हैं, सात फेरे भी लिए जाएंगे, उसके बाद मंगलसूत्र हार जो भी पहनाना होता है वो करेंगे। तो टाइम आ चुका है आपको और हमको जिसका इंतजार था, सिंदूर लगाने का और मंगलसूत्र पहनाने का। तो यहाँ पर जो है आपको शादी का मेन चीज मेन सीन देखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंजॉय करते रहिए।
और गाइज अभी फाइनली हो चुका है विदाई का टाइम, तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन घर से निकल रहे हैं, चावल छिड़केंगे पीछे की तरफ, उसके बाद विदाई कर दिया जाएगा। अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पर दूल्हे के घर, काफ़ी रात हो चुकी थी पहुंचे, उसके बाद अभी जो है दिन हो चुका है और गली पर बैठाया गया है, यहाँ पर पूजा वूजा किया जा रहा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर घर में लिया जाएगा, वधु प्रवेश किया जाएगा, तो इस सीन को भी आप अच्छे से देखते रहिए। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो लड़की की तरफ से चौथिया आ चुका है और सभी को खाना वाना परोसा जा रहा है, तो यहाँ पर खाना कंप्लीट होगा, उसके बाद आगे देखना क्या होगा। तो यार आज का ये वीडियो कुछ इस तरीके से था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड सपोर्ट बनाए रखना, आपको इसी तरीके का व्लॉग वीडियो और आगे भी देखने को मिलेगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।